आज जो हम फोटोशॉप में टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो टॉपिक होगा लेयर्स, जो यूनिट फिफ्थ में दिया हुआ है, वर्किंग विद लेयर्स, कि फोटोशॉप में लेयर पे काम कैसे किया जाता है। तो उसी के साथ कई सारे टॉपिक्स कवर होने वाले हैं इसी वीडियो सेशन में, जिसके नाम मैंने दिए हुए हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि लेयर का इस्तेमाल क्यों किया जाए। हालांकि थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा कि लेयर बनती कैसे है, लेयर का बनना, जिस विंडो में हम लेयर्स को देखेंगे कि हमारे पास अभी कितनी लेयर्स मौजूद हैं, कौन कौन सी लेयर्स में क्या क्या रखा हुआ है, उस विंडो को बोला जाता है लेयर पैलेट, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। फिर हम लोग बात करेंगे लेयर को सिलेक्ट कैसे किया जाए। फिर इसके बाद देखेंगे कि कौन सी लेयर का डेटा आपको डिस्प्ले करना है और किस लेयर का डेटा डिस्प्ले नहीं करना है, मौजूदा लेयर की एक और कॉपी बनाना डुप्लीकेटिंग लेयर कहलाएगा, लेयर के क्रम में बदलाव करना वो भी हम लोग देखेंगे, और किसी लेयर को डिलीट करना या उसके नाम को बदलना ये भी हम इस सेशन में देखेंगे। तो फोटोशॉप स्टार्ट करने से बाद सबसे पहले फाइल मेन्यू में जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और एक खाली डॉक्यूमेंट ले लेंगे। ओके पर क्लिक करते ही हमारे पास एक व्हाइट कलर का कैनवस आ जाएगा। अब आपको देखना हो कि हमारे पास कौन कौन सी लेयर्स हैं भी के नहीं है, तो उसके लिए विंडो मेन्यू में जाएंगे और क्लिक करेंगे लेयर्स। तो यहां पर एक जो विंडो आपको छोटी सी दिखाई देगी, इस विंडो को बोला जाता है लेयर पैलेट। यहां पे लेयर्स की इंफॉर्मेशन रहेगी, हालांकि यहां पर दिखाई दे रहा है सिर्फ बैकग्राउंड, मतलब कोई भी अभी लेयर मौजूद नहीं। यदि आपको आपके डॉक्यूमेंट में कोई नई लेयर को ऐड करना है तो उसके लिए एक लेयर नाम का मेन्यू डिवोटेड होता है। लेयर मेन्यू में जो कुछ भी काम होगा सारा लेयर से संबंधित होगा, लेयर के रिगार्डिंग जितने भी टास्क होंगे उसके लिए एक मेन्यू डिवोटेड है। तो अगर आपको नई लेयर चाहिए तो लेयर मेन्यू में जाएंगे, न्यू, और क्लिक करेंगे लेयर। यह पूछेगा आपकी लेयर का नाम क्या रखना है। बाय डिफॉल्ट लेयर बनाना है, मैंने इसका नाम दे दिया रेड, कुछ भी दे सकते हैं आप। तो अभी एक लेयर आ गई जिसका नाम है रेड, हालांकि यह भी पूरी तरह से खाली है, इस पर कुछ भी नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, इस पर एक शेप बना लेता हूं, एक रेक्टेंगल शेप बनाया, ये मैंने रेड लेयर को सिलेक्ट करके बना रहा हूं, और इसमें मैं कलर कर देता हूं और कलर भी कर दूंगा रेड, ताकि ध्यान रहे कि रेड नाम की लेयर में एक ऑब्जेक्ट है रेड कलर का। अब इसके बाद मैं एक और लेयर लाऊंगा, वापस लेयर में गए, न्यू और लेयर, अब इसका नाम दे दिया ग्रीन। तो ये दूसरी लेयर आई। अब जो कोई भी मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा या काम करूंगा वो मेरा ग्रीन लेयर पे हो रहा है, तो मैं यहां पर एक सर्कल बनाता हूं और उस सर्कल में मैं कलर कर दूंगा ग्रीन। तो मुझे याद रहेगा कि ग्रीन नाम की लेयर में ग्रीन कलर है, तो मैंने ग्रीन कलर लिया और पैन बकेट से उस पे कलर डाल दिया। थोड़ा सा पोर्शन रह गया, चले कोई नहीं। अब इसके बाद मैं एक तीसरी लेयर और लूंगा, जितनी जरूरत पड़े आप अपनी लेयर्स लेते जाएं, वो निर्भर करता है आपके टास्क पे कि आप कितनी लेयर्स रखना चाहते हैं। नहीं रखना तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर रखें उसका फायदा है, और वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो मैं यहां पर एक नया शेप बनाता हूं, ट्रायंगल, और इस पर मैं कर दूंगा ब्लू कलर,
और इससे मुझे याद रहेगा कि रेड कलर के ऑब्जेक्ट में राइट साइड पे आप देखेंगे लेयर पैलेट में रेड नाम की लेयर में एक ऑब्जेक्ट है रेड कलर का, ग्रीन नाम की लेयर में एक ऑब्जेक्ट है ग्रीन कलर का और ब्लू नाम की लेयर में एक ऑब्जेक्ट है ब्लू कलर। अब ये तीनों ही एक के ऊपर एक दिखाई दे रहा है, ये दिख एक साथ रहे हैं लेकिन ये अलग अलग है। कहने का मेरा मतलब ये है कि यहां पर मेरी लेयर सेलेक्ट है ब्लू, अगर मैं अपने टूल बॉक्स में से मूव टूल को लेकर ऑब्जेक्ट को मूव करता हूं तो मेरा ब्लू ऑब्जेक्ट ही मूव होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने ब्लू पे क्लिक करा, अगर मैं ग्रीन पर भी क्लिक करूंगा ना तो भी मेरा ब्लू ऑब्जेक्ट ही मूव होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि लेयर सेलेक्ट है ब्लू। ये अब मैं यहां से ग्रीन नाम की लेयर को सिलेक्ट करता हूं और ऑब्जेक्ट को मूव करता हूं तो मेरा ग्रीन ऑब्जेक्ट ही मूव होगा, और अगर रेड वाली लेयर को सिलेक्ट करके मूव टूल से मूव करता हूं तो मेरा रेड ऑब्जेक्ट भी मूव होगा। तो लेयर पर काम करने की अच्छी बात यह है कि इसमें मॉडिफिकेशन पॉसिबल है, कि अगर आपने किसी फोटो पे कोई एडिटिंग की है, इन फ्यूचर कभी आपको उसे एडिट करना पड़ता है तो आप हर एक लेयर को आसानी से एडिट कर सकते हैं, बाकी किसी भी लेयर पर उसका कोई भी प्रभाव या इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो हम लोगों का ये टॉपिक था कि लेयर का इस्तेमाल क्यों किया जाए। लेयर का इस्तेमाल इसलिए किया जाए ताकि हर एक एडिटिंग को, हर एक टास्क को, हर एक डिजाइन को, हर एक इंप्लीमेंटेशन को अलग अलग लेयर में रखा जाए, ताकि जब भविष्य में उसको री एडिट करने की जरूरत पड़े तो हम सिर्फ एक ही लेयर पर काम करेंगे जिस लेयर पर एडिट करने की जरूरत होगी, बाकी लेयर पर उनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह एक खासियत है जो फोटोशॉप में आपको मिलेगी और पेंट ब्रश जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेगी। कहने का मतलब यह है कि वहां पर अगर आपने एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट बना दिया ना, फिर आप उसे अलग अलग नहीं कर पाएंगे। ये फोटोशॉप में आप गाड़ी आसानी से कर लेंगे लेयर की बदौलत। दूसरा था क्रिएटिंग लेयर। लेयर बनाने का क्या तरीका है, जैसा कि अभी बनाई, लेयर मेन्यू में जाएंगे, न्यू में जाएंगे, न्यू लेयर शॉर्टकट दिया हुआ है, शिफ्ट कंट्रोल के साथ एन बटन प्रेस करना है। नए डॉक्यूमेंट को लाने के लिए कंट्रोल के साथ एन, जबकि उसी डॉक्यूमेंट में नई लेयर को लाने के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट और फिर एन। यहां पे शिफ्ट कीवर्ड इन्वॉल्व होगी। थर्ड है यूजिंग लेयर पैलेट। लेयर पैलेट का बेसिकली काम है कि आपके डॉक्यूमेंट में कितनी लेयर्स हैं। यहां पर हमारे पास तीन लेयर हैं, एक बैकग्राउंड है, उसका लेखा जोखा जानने के लिए इस्तेमाल होता है लेयर पैलेट का। यह कहलाती है विंडो लेयर पैलेट, जिसपे मेरा पॉइंटर मूव हो रहा है, और इसको लाने का शॉर्टकट है कीबोर्ड से F7। F7 प्रेस करेंगे गायब हो जाएगा, दोबारा F7 प्रेस करेंगे वापस आ जाएगा, नहीं तो विंडो मेन्यू में जाके लेयर को आप ऑन कर सकते हैं। यहां पर अगर टिक का साइन है इट मींस वो दिखाई दे रहा है, अगर आप टिक का साइन क्लिक करके हटा देंगे वो गायब हो जाएगा। अगला है इसके बाद सिलेक्टिंग लेयर्स, किसी लेयर को सिलेक्ट करना बहुत आसान है। आपको क्या करना है, लेट अस सपोज कि मुझे अपनी ग्रीन वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट करने के लिए हमने पिछले वीडियोस में सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल किया था। हम लेसो टूल ले सकते हैं या मैजिक विंग टूल ले सकते हैं, बहुत सारे टूल हैं सिलेक्ट करने के लिए, लेकिन एक बेहद आसान तरीका है वो ये कि लेयर पैलेट में ग्रीन के पहले
एक छोटा सा शेप बना हुआ आ रहा है, वो शेप जो यहां पे हमने ड्रॉ करा है। रेड वाली लेयर में रेड शेप आ रहा है, ब्लू वाली लेयर में ब्लू शेप आ रहा है। ये जो छोटा सा प्रीव्यू दिखाई दे रहा है ना, इस प्रीव्यू को बोला जाता है थंबनेल। इस पे मैं कर्सर रखता हूं, ये आपको बताएगा लेयर थंबनेल, यानी लेयर क्या है उसका एक छोटा सा प्रीव्यू। आपको क्या करना है, यदि आप चाहते हो कि आपका ग्रीन वाला शेप सिलेक्ट हो जाए तो कीबोर्ड में कंट्रोल बटन को दबाए रखें, जितनी देर दबाए रखेंगे कोई असर नहीं होगा, दबाए रखिए। फिर इसके बाद उस थंबनेल पर क्लिक कर दीजिए। मैंने ग्रीन थंबनेल पर क्लिक करा तो यहां पर देखिए ग्रीन ऑब्जेक्ट हमारा सिलेक्ट हो गया। यदि मुझे रेड वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल बटन में दबाए रखूंगा और रेड थंबनेल पे क्लिक करूंगा तो अब मेरा रेड ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। अगर मैं कंट्रोल बटन दबाए रखकर ब्लू वाले थंबनेल पे क्लिक करता हूं तो मेरा ब्लू शेप सिलेक्ट हो जाएगा। तो किसी भी लेयर के एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए वो जहां भी है जितना भी है बेहद आसान तरीका है। कीबोर्ड का कंट्रोल बटन आपको दबाए रखना है और थंबनेल पर क्लिक कर देना, उस लेयर का कंटेंट सिलेक्ट हो जाएगा। तो यह था सिलेक्टिंग लेयर। अगला है इसके बाद डिस्प्लेइंग कंटेंट ऑफ लेयर। डिस्प्लेइंग मतलब शो और हाइड, सिंपल समझ लो कि आपको विजिबल रखना है लेयर का कंटेंट या हाइड कर देना। लेट एग्जांपल, मैं चाहता हूं कि मुझे रेड वाला कंटेंट जो रेड लेयर में है वो हाइड करना है, गायब करना है, मतलब वो रहे लेकिन दिखाई ना दे, हाइड का यही मतलब होता है। तो लेयर जिसको भी आपको हाइड करना है उसके थंबनेल के पहले एक आईज बनी हुई आएगी, एक आंख बनी हुई आएगी। आंख दिखाई दे रही है मतलब वो विजिबल है। मैं उस आंख पे क्लिक कर दूंगा तो वो आंख गायब हो जाएगी, इसका मतलब अब वो विजिबल नहीं है, वो हाइड हो चुकी है। लेकिन देखने वाली बात यह कि लेयर अभी भी है। अगर आपको वापस लाना है तो फिर क्लिक करिए, आईज वहां पर आ जाएगी, आंख वहां पर आ जाएगी, तो इसका मतलब अब लेयर आपको दिखाई दे रही है और यहां पर रेड ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है। आप चाहो तो किसी भी लेयर को हाइड कर सकते हो, निर्भर करता है जरूरत पे। चाहो तो सबको हाइड कर दो, चाहो सबको शो कर दो, किसी को हाइड करो किसी को शो करो। तो किसी भी लेयर को विजिबल करना और हाइड करने के लिए इस्तेमाल होता है यहां पे विजिबल इंडिकेटर्स। इसको विजिबल इंडिकेटर्स बोला जाएगा। अगला है इसके बाद डुप्लीकेटिंग लेयर्स। किसी एक लेयर की कॉपी बनाना कहलाता है डुप्लीकेट लेयर। जैसे मैं चाहता हूं मुझे रेड ऑब्जेक्ट की कॉपी बनानी है, एक और डुप्लीकेट चाहिए रेड जैसा, तो आप उस लेयर को सिलेक्ट रखें। फिर इसके बाद जाएंगे लेयर मेन्यू में और यहां पर आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा डुप्लीकेट लेयर। तो जैसे आप डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक करेंगे ये बोलेगा कि ठीक है लेयर बनानी है लेकिन उसका काम क्या रखना है, उसका नाम क्या रखना है। तो उसका नाम बाय डिफॉल्ट रेड कॉपी इसने दे दिया आगे, तो मैं दे देता हूं रेड डैश टू, जो मर्जी चाहे आप वो नाम दो कोई दिक्कत नहीं। तो ये रेड टू नाम से मेरी एक और आ गई इमेज। मैं वापस मूव टूल लेता हूं और अब मूव करूंगा तो मेरे पास दो रेड ऑब्जेक्ट, एक रेड और एक रेड टू। और एक सीधी सी बात, लेयर और बढ़ जाएगी। पहले तीन लेयर थी रेड ग्रीन ब्लू, अब रेड की दो लेयर, एक है रेड, रेड टू ग्रीन और ब्लू, चार लेयर से हमारे डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट इसके बाद है चेंजिंग ऑर्डर ऑफ लेयर। चेंजिंग ऑर्डर ऑफ लेयर से पहले मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक बता देता हूं, डिलीटिंग लेयर। मेरा काम भी हो जाएगा टॉपिक भी हो जाएगा। डिलीटिंग लेयर नाम से समझ में आ रहा है, किसी लेयर को डिलीट करना। तो जो रेड टू नाम से मैंने एक लेयर बनाई है मैं उसे डिलीट करना चाहता हूं, तो आपको करना क्या है, उस लेयर को सिलेक्ट करना है, लेयर में जाना है, डिलीट पे जाना है और लेयर पे क्लिक कर देना।
ये था पहला तरीका, पूछेगा डिलीट करना, यस डिलीट करना, डिलीट हो गया, वापस तीन लेयर्स बची, अंडू करके वापस लाया मैं। दूसरा तरीका, आप लेयर पे क्लिक करें और कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करते हैं तो भी डिलीट हो जाएगा। यह था दूसरा तरीका, मैं फिर वापस लाया। तीसरा तरीका, नीचे यहां पर एक ट्रैश का आइकन बना हुआ है, मींस डिलीट, तो आप इस लेयर को क्लिक करें और ड्रैग करके लाकर ट्रैश के ऊपर रखते हैं तो भी डिलीट हो जाएगा। यह था तीसरा तरीका। चौथा, लेयर पर क्लिक करें, उस ट्रैश पर जाकर क्लिक कर दें, फिर से पूछेगा डिलीट करना है लेयर, यस करना, हो जाएगा। तो चार तरीकों में से किसी भी एक तरीके से आप डिलीट कर सकते हैं, फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला, जैसा आपको कंफर्टेबल हो वो तरीका अपना। तो ये था लेयर को डिलीट करना, हालांकि रिनेमिंग बताऊंगा, लेकिन उससे पहले 7 टॉपिक को कवर कर लेते हैं। चेंजिंग ऑर्डर ऑफ लेयर, यानी लेयर का क्रम बदलना। क्रम बदलने से मेरा मतलब यह है, अभी यहां सामने से देखा जाए तो सबसे ऊपर दिखाई दे रही है ब्लू, फिर उसके पीछे है ग्रीन और फिर उसके पीछे है रेड। यह लेयर का क्रम है कि सबसे ऊपर दिखाई दे रही है ब्लू लेयर, फिर उसके पीछे है ग्रीन लेयर, फिर उसके पीछे है रेड लेयर। मैं चाहता हूं रेड को बीच में लाना, यानी कि मेरा अगला क्रम हो पहले ब्लू, फिर रेड और फिर ग्रीन। तो रेड को मैं बीच में रखना चाहता हूं, तो यहां से रेड वाली लेयर सेलेक्ट करूंगा और ड्रैग करके ले जाके छोड़ दूंगा ब्लू और ग्रीन के बीच में। ये देखिए लेयर प्लेट। अब सबसे ऊपर है ब्लू, फिर उसके पीछे है रेड और फिर उसके पीछे है ग्रीन। पहले रेड सबसे पीछे थी, अब ग्रीन सबसे पीछे होगी। यदि मैं चाहता हूं कि भाई ग्रीन जो है वो सबसे ऊपर आए, फिर ब्लू आए, फिर रेड आए, तो आपको क्या करना है, वापस लेयर पैलेट में जाना है, ग्रीन लेयर पर क्लिक करना है और ले जाकर सबसे ऊपर छोड़ देना है। अब ग्रीन सबसे ऊपर आ चुका है, उसके पीछे है ब्लू, उसके पीछे है रेड। तो जरूरत के हिसाब से आप किसी भी लेयर का क्रम आगे पीछे कर सकते हैं। तो यह था चेंजिंग ऑर्डर ऑफ लेयर, क्रम में बदलाव करना। वो क्रम क्या होगा आप अपनी इच्छा के मुताबिक तय कर सकते हैं। आगे टॉपिक है इसके बाद रीनेमिंग लेयर, किसी भी लेयर का नाम बदलना। तो हालांकि ग्रीन ब्लू रेड यहां पे दिया हुआ है, तो ग्रीन का नाम मैं बदल के सर्कल रख देता हूं। तो किसी भी लेयर का यदि आपको नाम बदलना है तो इसमें तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसमें सिंपल सा तरीका आप क्या करें, जो वर्ड लिखा हुआ है ग्रीन, इस पर डबल क्लिक करें। तो जैसे ही आप उस पर डबल क्लिक करेंगे, यहां पर आपको टेक्स्ट एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा, मैंने लिख दिया सर्कल, और एंटर बटन प्रेस कर दें, सर्कल आ गया। अब मुझे ब्लू का नाम बदलना है तो ब्लू पर डबल क्लिक करें, यहां पर मैं लिख देता हूं ट्रायंगल, एंटर, तो ब्लू की जगह हो गया ट्रायंगल। और रेड का नाम बदलना है तो एक तरीका और होता है, आप लेयर अपनी सेलेक्ट रखें, लेयर मेन्यू में जाएं, यहां आपको फोर्थ ऑप्शन मिल जाएगा रीनेम लेयर, अगर डबल क्लिक करने में परेशानी आए तो ये भी एक रास्ता। रेड लेयर को मैंने सेलेक्ट रखा है और लेयर में गया रीनेम लेयर, तो रीनेम लेयर करते होगा वही जो डबल क्लिक करने पे हो रहा है। यहां पर मैं लिख देता हूं रेक्टेंगल, एंटर।
लेयर का नाम चेंज हो जाएगा। तो आज के सेशन में हमने पूरी तरह से लेयर पर काम करना सीखा, लेयर किस तरह से बनाई जाए, किसका काम क्या है, लेयर पैलेट क्या है, लेयर्स को सेलेक्ट करना, उसके कंटेंट को डिस्प्ले करना, हाइड और शो करना, लेयर की कॉपी बनाना, क्रम में बदलाव करना, लेयर का नाम बदलना और लेयर को डिलीट करना।